अमेठी रायबरेली का सस्पेंस का हुआ दी एंड। प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। अमेठी से अब राहुल गांधी नहीं बल्कि रॉबर्ट होंगे उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश की दो हाई प्रोफाइल सीटों रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस बरकरार है। तो खबर है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, वह केवल चुनाव प्रचार करेंगी। वहीं राहुल गांधी के अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कल तक फैसला आ सकता है। इससे पहले खबर थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली सीटों से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कहा जा रहा था कि इन सीटों पर उम्मीदवारी के ऐलान से पहले प्रियंका और राहुल अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की परंपरागत सीट मानी जाने वाली अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का सभी को बेसब्री से इंतजार है। कांग्रेस अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे है। हालांकि प्रियंका गांधी के पति और राहुल के जीजा रॉबर्ट वाड्रा लगातार हिंट दे रहे हैं कि वो सक्रिय राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो अमेठी से चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने 26 अप्रैल को भी कहा। वाड्रा ने कहा कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि वो यहां से चुनाव लड़े। पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी को हार मिली थी। इस बार सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद उनके रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा भी समाप्त हो गई है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा से जब सवाल किया गया क्या वो अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा, पूरे देश से आवाज आ रही है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा देश की जनता के बीच रहा हूँ। 1999 से मैं वह चुनाव प्रचार करने गया हूँ। सोनिया गांधी को हम वहाँ से जीत दिलवा कर लाए थे। लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके क्षेत्र में रहूं। वहीं ऐसे समय में रॉबर्ट के दिए गए इस बयान से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेठी से गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।